कोई भी प्रोडक्ट आप उठाओगे, कोई भी प्रोडक्ट उठाओगे, साबूदाने के लड्डू उठाओगे, पता नहीं कौन कौन से लड्डू या पैटीज मिल रही हैं, गजक मिल रही हैं, उन सब में घटिया से घटिया तेल यूज किए गए हैं जो बिना मशीनों के पैदा ही नहीं हो सकते, उनकी प्रोडक्शन ही मशीनरी में ही होने वाली है। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं इतनी सारी फास्टिंग की ऑप्शंस जो आपको मार्केटिंग में मिल रही है और आप बिल्कुल बेवकूफ बने जा रहे हैं। तो आज हम आपको इन सब की सच्चाई बताने वाले हैं। सच्चाई इनकी ये है कि ये आप सबको बिल्कुल भी नहीं खानी। इन सब के लिए हमारा है अ बिग नो, क्योंकि इन सब में क्या मिलाया, क्या डाला, कैसे बनाया, किन हाथों ने बनाया, किस ऑयल में बनाया, किस नमक में बनाया, चाहे इस पे कुछ भी लिखा हो, लेकिन हम इस पे आंखें बंद कर विश्वास कैसे कर सकते हैं, कैसे माता खुश होंगी। जैसे कि पिछली वीडियो में बताया हमने कि सबसे इंपॉर्टेंट रूल फास्टिंग का है कि ये सारा खाना आपको खुद बनाना होता है, आप किसी पे विश्वास नहीं कर सकते। आप तब भी नहीं मानते तो हमने आपको आलू की हिस्ट्री बताई कि आलू इज नॉट अ पार्ट ऑफ फास्टिंग। तो आलू जैसे हमारे देश में था ही नहीं, और जो ये सारी की सारी फास्टिंग की रिचुअल्स बनी हुई हैं ये हमारे देश में बहुत ही ज़्यादा सालों पुरानी है, और आलू हमारे देश में आए सिर्फ 400 या 500 साल पहले। और जो हमारी फास्टिंग की रिचुअल्स हैं उसमें हमको कुछ ना कुछ हटाना होता है अपनी डाइट से। तो नवरात्रे का मेन जो मोटिव था वो था कि हमारी डाइट में से कार्बोहाइड्रेट्स हटा दें, मतलब हम की सात्विक खाना खाएं। तो इतना फुल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स तो सात्विक भोजन होता ही नहीं है। तो उस टाइम जो हमारे रिचुअल्स बनी तो उस टाइम के खाने के हिसाब से बनी, जब आलू होता ही नहीं था हमारे इंडिया में। जो भी हमारे फास्ट हैं, जो ग्रंथों में भी लिखे गए हैं, जिन फास्टों के बारे में हमने पढ़ा है या फिर बताया जाता है, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट फास्ट हैं। ऐसे ही नवरात्रे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट फास्ट हैं, उनका मेन मोटिव था कार्बोहाइड्रेट्स हटाना, क्योंकि उस टाइम कार्बोहाइड्रेट्स इतनी ज़्यादा मात्रा में होते ही नहीं थे जितने आज के भारत में। तो आपको हर चीज़ में देखना पड़ेगा कितने कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो आलूओं के बारे में तो हमने स्ट्रेट वे आपको मना ही कर दिया कि वो हमारे भारत में थे ही नहीं, तो वो तो लेने ही नहीं। फिर भी आज भी हम आपके नवरात्रों की बहुत सारी चीज़ें लाए हैं, ज़्यादा में तो आलू के चिप्स होते हैं, ये भी आलू से बने हुए हैं या फिर किसी आटे से बने हुए हैं, साबूदाने से बने हुए हैं, साबूदाना भी पूरा कार्बोहाइड्रेट से भरा होता है। और आपको अगर ये बात भी नहीं समझ में आ रही तो भाई आपको जो फास्ट है उसमें कम से कम ऑयल तो ओरिजिनल होना चाहिए ना, जो उस टाइम हमारे संस्कृति में था। तो उस टाइम हमारी संस्कृति में जो हमारे गुरुओं ने जो हमारे ग्रंथ लिखे हुए हैं उसमें ज़्यादातर वर्णन किया हुआ है देसी घी का। इन नवरात्रों के फास्ट में आप तीन तेल का सेवन कर सकते हैं, एक हो गया देसी घी, एक हो गया मक्खन और हो गया कोकोनट ऑयल। और जो इन सब में वो तेल डले हुए हैं वो तो अभी बने हैं, वो तो बिना मशीनरी के बन ही नहीं सकते, जैसे हम आपको बार बार बताते हैं। तो ये सारे ऑयल तो हमें वैसे भी व्रत में खाने ही नहीं है जिनमें ये सारा खाना बना हुआ होता है। तो ये सारा जो आपका मार्केटिंग में सामान मिल रहा है नवरात्रों के नाम पे, जो आपका नवरात्रों के व्रत बिल्कुल भंग कर रहे हैं और आपको बिल्कुल भी फायदा नहीं होने वाला, आपको और ज्यादा माता परेशान करने वाली है। सच में ये तेल आप खाओगे तो माता आपको बहुत परेशान करने वाली है, तरह तरह की आपकी बीमारियों से गुजरना पड़ेगा आपको, ये सच बात है बिल्कुल ही। क्योंकि ये जो तेल बन रहे हैं, जिन तेलों में ये सारा सामान बन रहा है, वो हमारे भारत में एग्जिस्ट ही नहीं होते थे। ये तेल हमारे भारत में बस कुछ 50-60 साल पहले ही ज़्यादा आए हैं। तो अब इनका आप लेबल पढ़ोगे, इनकी इंग्रेडिएंट लिस्ट पढ़ोगे तो उनमें तेल जो दिए गए हैं वो है कॉटन सीड ऑयल, पाम ऑयल। और कॉटन सीड ऑयल और पाम ऑयल, कोई भी प्रोडक्ट उठाओगे, साबूदाने के लड्डू उठाओगे, पता नहीं कौन कौन से लड्डू या पैटीज मिल रही हैं, गजक मिल रही हैं, उन सब में ये घटिया से घटिया तेल यूज़ किए गए हैं जो बिना मशीनों के पैदा ही नहीं हो सकते, उनकी प्रोडक्शन ही मशीनरी में ही होने वाली है। तो इतना पागल मत बनिए कि किसी भी सामान पे लिख दिया कि व्रत का आइटम है, भाई व्रत में ये खा सकते हैं, और आप आंखें बंद करके उन पे विश्वास कर ले, हाँ भाई इस पे तो लिखा हुआ है व्रत का आइटम है, हाँ भाई ये तो व्रत में खा सकते हैं। भाई इतने पागल प्लीज मत बने, इनको तो सिर्फ पैसे कमाने हैं, व्रत का फायदा इन चीज़ों से बिल्कुल भी नहीं होने वाला। वो तो पैसे कमा गए और आपकी हेल्थ खराब कर गए और आपके व्रत बिल्कुल नष्ट कर गए एकदम। तो आपको ये बातें समझनी पड़ेंगी। कोई भी आप आइटम उठाओगे व्रत का, जितनी भी हमने मार्केट में रिसर्च की और इनकी सारी की सारी न्यूट्रिशनल इन्फो हम आपको देने वाले हैं, सब में पाम ऑयल और कॉटन सीड ऑयल, मतलब कॉटन सीड ऑयल में से आप तेल कब निकलता था भारत में, आप खुद सोचिए।
ये बिल्कुल आपको नष्ट कर देंगे, माता आपके ऊपर बहुत बुरा प्रकोप डालने वाली है अगर आप ये सारी चीजें खाएंगे तो। और एक और जो मार्केट में मिथ है जो आपको समझनी होगी, जैसे कि अगर वो चिप्स के ऊपर लिख देते हैं फलाहार और लिख देते हैं डाइट चिप्स, तो आपको लगता है कि ये बहुत अच्छे हैं, ये आप नवरात्रों में डाइट भी कर सकते हैं और आप ये इजीली खाएंगे तो ये आपके लिए फायदेमंद है। बट ऐसे इसमें कोई डाइट वाइट वाला कुछ नहीं होता, ये भी फुल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ही हैं। सबसे पहले तो ये खाने ही नहीं है, फिर उसमें डाइट क्या करेगी। लेकिन डाइट के नाम से आप लोग ज़्यादातर ये खरीदते हैं, जैसे ये भी डाइट चिप्स लिखा है, तो आपको लगता है कि ये चिप्स खाने ज़्यादा इफेक्टिव हैं, लेकिन ये भी उतने ही ख़राब हैं। ये बात भी आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। इन सारे प्रोडक्ट्स में 50-60% कार्बोहाइड्रेट्स ही हैं और इतना गंदा तेल है जो भाई आप खुद ही देख लीजिए आप क्या कर रहे हैं, अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं। और माता ऐसे बिल्कुल खुश नहीं होने वाली आपकी, जो भी आप माता से चाह रहे हो आपको बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला। माता के फास्ट के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वैसे ही फॉलो करो, तभी आपको फ़ायदा होगा, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। और अब ये पेठे की मिठाइयाँ मिलती हैं, भाई पेठे की मिठाई में शुगर ही शुगर है, तो इससे माता खुश नहीं होने वाली कि आप सोच रहे हो पेठे की मिठाई से हम व्रत रख लेंगे, व्रत रख लेंगे, रख लेंगे। भैया 9 दिन में ही आप मोटे हो जाओगे। और माता किसी फिट आदमी के पास आना चाहेगी या फिर बिल्कुल मोटे आदमी के पास, या जिसको डायबिटीज हो, या फिर किसी को कोई आजकल कितने कितने बीमारियां लगने लगी हैं जो हमारे प्राचीन भारत में कभी थी ही नहीं, जो ये बिल्कुल नए भारत की बीमारियां हैं कि हार्ट डिजीज हो गया, इतना ज़्यादा मोटापा हो गया, और तरह तरह की डायबिटीज़ की बीमारियाँ हो गई, PCOD हो गई। मतलब भारत ने ऐसा गंदा समय अपने हिस्ट्री में कभी नहीं देखा जब भारत की इतनी पुअर हेल्थ हो। तो माता का प्रकोप तो ऑलरेडी आप लोगों के ऊपर पड़ चुका है कि भाई 9-9 दिन के फास्ट आप खुद को भी बेवकूफ बना रहे हो और सोच रहे हो कि माता हमको फायदा दे देगी। भैया माता ने तो अपना प्रकोप चालू कर दिया है, हम इंडियंस की हेल्थ बहुत ही कम, बहुत ही खराब होती जा रही है, खासकर ये मार्केटिंग के नाम पे। तो मार्केटिंग ब्रिटिशर्स ने भी की, आज का व्यापारी भी कर रहा है, भाई वो मार्केटिंग कर रहा है, उनका हक है पैसा कमाना, मैं मना नहीं करता, बट आपका भी हक है पूरी इन्फॉर्मेशन जान लेना कि आप व्रत कैसे रखते थे, कैसे नहीं रखते थे, वो पूरा का पूरा आपका काम है। अगर आप वो जानकर पूरा काम कर कर अपने 9 दिन के व्रत रखते हैं तब तो माता आपके साथ है, नहीं तो भाई भूल जाओ। ये भी आजकल की ना एक मॉडर्नाइजेशन है, जैसे कि आजकल हम बहुत अपनी लाइफ में बिजी हैं, इसलिए उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट ये हैक्स निकाल दिए। 30-40 साल पहले नवरात्रों के नाम पर इतना सारा मार्केट में सामान, ओवरलोडेड सामान, इतनी ज़्यादा वैरायटी, इतने ज़्यादा ऑप्शंस कभी भी नहीं मिलते थे। ये तो खाली थोड़े टाइम से हुए हैं, क्योंकि उनको पता है कि मनुष्य बहुत बिजी है, वो नहीं बनाने वाला, वो नहीं इतनी मेहनत करने वाला, तो उसको कुछ भी उल्लू बनाकर कुछ भी बेच दें। लेकिन ये बात आपको समझनी होगी, जो आप अपने घर में खाना बनाते हैं वो सबसे अच्छा है, सबसे बेस्ट है, सबसे प्योर है, तो आप वो ही लें, आप इन सब के चक्कर में ना फंसे। ये सब तो अबकी बार आपको नवरात्रों में बिल्कुल ही नहीं लेना। और अगर आप अभी तक ये सब कुछ की शॉपिंग कर चुके हैं तो प्लीज इन सबको ना खाएं, इन सबको डस्टबिन में फेंक दें, इनको अपने घर से बाहर निकाल दें। तो अगली वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि फ्रूट्स खाने से भी आपका फास्ट टूट रहा है। तो आजकल के आप फ्रूट्स खाओगे, हमने पहले फ्रूट्स के ऊपर वीडियो भी की है, रिचा ने एक वीडियो की है जिसमें दिखाया कि दोनों सेब या आप 10 भी सेब ले लोगे, सारे लग रहे हैं कि एक दूसरे के जुड़वा भाई हैं। तो अगली वीडियो में हम उसका खुलासा करने वाले हैं कि फ्रूट से आप कैसे बेवकूफ़ बन रहे हैं और फ्रूट से आपके नवरात्रि के फास्ट कैसे भंग हो रहे हैं। तो आजकल की बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन हो गई है, आपको समझना होगा फास्टिंग के पीछे क्या साइंस थी, कैसे हम फास्ट रखते थे और कैसे फ़ायदा मिलने वाला है। तो उनके पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, अगर वो रूल्स एंड रेगुलेशन आप फॉलो नहीं करोगे तो भाई आप फ़ायदा भी आपको बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला। तो बी क्लियर अबाउट इट, रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं मिल रहे देन डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम योर फास्ट। तो अगर आपको आप तैयार हो कि भी आपको हाँ भाई 9 दिन के माता के फास्ट रखने, वो तो भाई हमारे ट्रेडिशन में शुरू से ही बहुत ही सख्त कानून थे इन फास्टों को लेके, इन सारे व्रतों को लेके बहुत ही सख्त कानून थे जो हम मनुष्यों ने अपने हिसाब से ढाल लिए और हम मनुष्य पागल बन गए कि भी हम पागलों की तरह फास्ट भी रख रहे हैं और फिर साथ में एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि माता हमारा बढ़िया कर देगी, भगवान हमारे से खुश हो जाएगा, हमको बढ़िया हेल्थ दे देगा, हम बहुत इंजॉयमेंट करेंगे। भाई ऐसा कुछ नहीं हो रहा, अमीर से अमीर घर में इतने बीमार आदमी हैं आप सोच नहीं सकते।
और आप सोचोगे उनके पास इतनी धन दौलत है, ये है, माता उनसे खुश है। भैया ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। धन दौलत वाले आदमियों भी बहुत ही ज्यादा माता ने उनका नरक बना रखा है कि वो कहीं जा नहीं सकते, अपनी बीमारी के साथ उनको झेलना पड़ेगा और वो पूरी की पूरी बीमारी उनके घर में फैल चुकी है। तो आप खुद समझदार हैं मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ। तो आप अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बिल्कुल सख्त रखिए, तभी आप एक्सपेक्ट कीजिए, नहीं तो आप भाई एक्सपेक्ट मत करो, आप फास्ट रखो ही मत, क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो दुनिया को। यू डोंट हैव टू कीप एनी फास्ट, तो अपनी लाइफ आप चलाते रहो, कोको कोला पीते रहो, पेप्सी पीते रहो और खुश होते रहो। तो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे हम आपको फ्रूट्स के बारे में सारा पूरा सच। जैसे ही आप देखते हैं कि नवरात्रे आते हैं तो फ्रूट्स के प्राइसेस बहुत ज्यादा हाइक हो जाते हैं, हर चीज के प्राइस हाइक कर देते हैं, आलू के प्राइसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये भी एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है कि वो आपसे उस टाइम उसका मैक्सिमम बेनिफिट उठाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप तो फ्रूट्स खरीदेंगे इसलिए वो फ्रूट्स इतने ज्यादा महंगे कर देते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो विल बी अनदर आई ओपनर फॉर यू। और प्लीज अगर अब आपको सही इन्फॉर्मेशन मिल गई है तो फॉलो करना आपके दिमाग का और आपका खुद का काम है, और अगर आप अभी भी उसको फॉलो नहीं करते तो उसके जिम्मेदार आप खुद हैं। और इस बार हम दोनों आपको नवरात्रे के पूरे फास्ट रख के दिखाने वाले हैं, उसके फायदे भी दिखाने वाले हैं। अगर हमको होंगे पूरे फायदे तो आपके सामने आ जाएंगे और हम दिखा भी देंगे किस वे में इन फास्ट के फायदे होते हैं। तो हम हर दिन नवरात्रे में आने वाले हैं, अपनी रेसिपीज दिखाने वाले हैं और भी आपको दिखाने वाले हैं डेली डेली हमको क्या फायदे हो रहे हैं। तो मैं हूं आपका दोस्त और मैं दिल से चाहता हूं कि आपको नवरात्रे के फास्टिंग की बहुत ही ज़्यादा फायदे हो, और हम इसलिए आपके साथ फास्ट करने के लिए तैयार हैं। आप हमें फॉलो कीजिए, अभी हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और देखिए कि असली फास्ट का मतलब क्या होता है, फास्ट कैसे रखे जाते हैं। तो ठीक है, फिर हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।